वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो से बात करने वाले एस्टिमेशन के बारे में, इससे पहले हम हाइबरनेशन के बारे में बात किए। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं क्योंकि इसमें जो एनिमल्स होते हैं विंटर के टाइम पर फूड की स्कार्सिटी की वजह से सो जाते हैं डीप स्लीप में। तो एस्टिमेशन को हम समर स्लीप बोलते हैं, इसमें जो एनिमल्स होते हैं समर में सोते हैं। तो एस्टिमेशन ऑकर्स इन एनिमल्स लिविंग इन डिजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो जो एनिमल डिजर्ट में रहते हैं, ऐसे रेगिस्तान या ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं एस्टिवेशन, ऐसे एनिमल्स में एस्टिवेशन होता है। दिस इज डन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एंड ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, एनिमल्स क्यों एस्टिवेशन में जाते हैं? तो एनिमल एस्टिवेशन में जाते हैं जब जो क्लाइमेट होता है बहुत हॉट और ड्राई होता है, बहुत गर्मी होती है, या फिर जब फूड की और वाटर की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, तब जाते हैं। दिस कैन बी सीन इन अर्थवॉर्म्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ऐसा एम्फीबियंस में, अर्थवॉर्म्स में, मोलस्क में, आर्थ्रोपोड्स में, रेप्टाइल्स में देखा जा गया है। और ये फूड की स्कार्सिटी की वजह से, वाटर की स्कार्सिटी की वजह से, या खुद को ड्राई या हॉट क्लाइमेट से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टिवेशन में जाते हैं, मतलब कि समर स्लीप में जाते हैं, जिसमें वो समर में गर्मी के टाइम पर जब फूड की स्कार्सिटी होती, वाटर की स्कार्सिटी होती, या हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, तो वो डीप स्लीप में सो जाते हैं। एस्टिमेटिंग एनिमल्स में वेकअप एंड बिकम एक्टिव अगेन इन द टेम्परेचर ड्रॉप्स अप और रेन बिगिन टू फॉल। जब बारिश का टाइम आ जाता है, बारिश होने लगती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तो जो एनिमल एस्टिवेशन पे गए हुए होते हैं, जो एनिमल डीप स्लीप में सोए हुए होते हैं, वो धीरे धीरे जाग जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं जब रेन ड्रॉप्स होने लगती हैं या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, रेनफॉल होने लगे या हो गए या टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उस टाइम पर। टिपिकली एस्टिवेशन डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। एस्टिमेशन जो है हाइबरनेशन से तो कई महीने तक रहता है, लगभग 180 दिन तक रहता है जो हाइबरनेशन होता है, बट जो एस्टिवेशन होता है ये बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। मोस्ट एनिमल्स डैट एस्टिवेट प्रॉबली ओनली डू सो फॉर ए फ्यू वीक्स। जो एनिमल एस्टिवेट होते हैं, एस्टिवेशन पर जाते हैं, तो ये कुछ वीक्स के लिए जाते हैं। वेयर एज सम एनिमल्स हाइबरनेट फॉर अप टू 9 months ऑफ द ईयर। और जबकि जो हाइबरनेशन होता है उसमें एनिमल जो हाइबरनेट होते हैं वो लगभग 9 महीने तक हाइबरनेट हो जाते हैं। मतलब कि कहने मतलब इससे कि एस्टिवेशन में जो एनिमल्स होते हैं कुछ वीक्स तक होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स जो होते हैं जो हाइबरनेट होते हैं, हाइबरनेशन पे आते हैं, वो 9 महीने तक जा सकते हैं हाइबरनेशन पर। एम्फीबियंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर टू सर्वाइव। दे आर स्पेशली लाइकली टू एस्टिवेट व्हेन द वेदर बिकम हॉट एंड ड्राई। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के, जीने के लिए। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो एस्टिवेशन को बहुत लाइक करते हैं, तो वह एस्टिवेट होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, और जब वेदर बहुत हॉट ड्राई होता है तो वह एस्टिवेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग सच नाइम द यूज़ ऑफ एनर्जी गेट्स रिड्यूस टू 70 to 100 times लेजर दैन द यूजुअल टाइम। जब वह एस्टिवेट होते हैं ऐसे टाइम पर, जब वो स्लीप में जाते हैं, स्लीपिंग मोड में जाते हैं, सोते हैं, तो ऐसे टाइम पर जो एनर्जी इनकी होती है, वो जो एनर्जी का यूज़ होता है इनकी बॉडी में, वो बहुत कम हो जाता है। 70 to 100 times वो कम हो जाता है यूजल टाइम पर मुकाबले। आम तौर पर ये 70 to 100 times कम हो जाती है इनकी जो एनर्जी का यूज़ होता है। फॉर गोइंग टू एस्टिवेशन एनिमल्स गो थ्रू द प्रिपरेशन वेयर द एनिमल स्टोर इन द फूड एंड वाटर। जनरली द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू सर्वाइव। तो फॉर गोइंग टू एस्टिवेशन पर जाने के लिए पहले उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड को, वाटर को खूब खाना पीना पड़ता है, ताकि उनकी बॉडी में जो है फैट स्टोर हो जाए। तो ये अपनी बॉडी में फूड को स्टोर करते हैं फैट के रूप में, जिसको वो एस्टिवेशन के टाइम पर एज एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। तो स्टेशन पे जाने से पहले वो फूड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि उनके बॉडी में जो फूड होता है वो फैट के रूप में, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिससे वो सर्वाइव करते हैं, जिसको वो स्टेशन के टाइम पर एज एनर्जी यूज़ करते हैं, जो वो फैट इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एस्टिवेशन समर स्लीप है, इसमें ये समर के टाइम पर
सो जाते हैं स्कार्सिटी की वजह से, फूड वाटर की या हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की होने की वजह से। इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, मतलब कुछ फ्यू वीक्स के लिए ये एस्टिमेट होते हैं। आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव वाटर लॉस। एस्टिवेशन पे जब जाते हैं तो इनकी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। टेक प्लेस इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो एस्टिवेशन होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में होता है। एनिमल लुक फॉर अ मॉइस्ट कूल एंड शेडी प्लेस टू स्लीप। एनिमल जो होते हैं जो एस्टिवेशन टाइम पर सोते हैं वो ठंडी या नमी वाली जगहों पर या शेडी प्लेस पर सोते हैं, जैसे कि हाइबरनेशन में क्या होता है, वो हाइबरनेशन में मतलब कोई ठंडी के टाइम पर सोते हैं, उसको विंटर स्लीप बोलते हैं, तो उस टाइम पर वो सोचते हैं कि गर्म जगह उनको मिल जाए, हॉट जगह मिल जाए जहाँ वो सो सकें। उसी तरीके से एस्टिवेशन में उसके बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये मैंने बताया था एस्टिवेशन के बारे में। तो ये मेरी वीडियो थी एस्टिवेशन पर, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।